दोस्तों, चाट देखकर किस किस को खाने का मन होने लगता है और किस किस के मुंह में पानी आ जाता है, और चाट किस की फेवरेट डिश है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं पापड़ी चाट की रेसिपी लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ। वेलकम टू माय चैनल दस्तरखान नाज का। चाट खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन अगर वो घर पर सफाई से बनी हो तो फिर क्या ही पूछना है। तो चलिए आज हम बनाना सीखते हैं पापड़ी चाट की आसान सी रेसिपी। इसमें सबसे मेन काम होता है पापड़ी बनाना। पापड़ी की रेसिपी कैसे बनती है आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। तो यहाँ पर मैं पापड़ी गेहूं के आटे से बना रही हूँ, आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं। तो मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरह हाथों से मसल करके डाल दिया है। इस तरह बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आती है। और 1 छोटे से चम्मच से मैंने नमक डाल दिया, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और तेल भी बहुत थोड़ा सा ही डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। तेल डालकर हमें आटे को अच्छे से हाथों से मसल करके इसका मैन करना है। तेल अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो पापड़ी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाएगी, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। जब मुट्ठी बांधे तो आटा इस तरह से बिखरना चाहिए। अब नॉर्मल पानी ले करके हम धीरे धीरे इसको गूंद लेंगे। तो इसका एक डो बनाना है, थोड़ा टाइट डो बनाना है, नॉर्मल रोटी के आटे जैसा डो हमें नहीं बनाना है। तो जब डो हमारा तैयार हो जाएगा तो हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना है। तो लगभग 10 मिनट हो चुका है। अब हम इस आटे को ले करके इसमें से 3 पोर्शन अलग करेंगे और इसके बाद इसका स्मूथ सा पेड़ा बना लेंगे इस तरह हाथों से मसलते हुए। और फिर इसको रोटी की तरह हमें बेल लेना है, और ये रोटी काफ़ी पतली हमें बेलनी है। तो धीरे धीरे करके बिना आटा लगाए, सूखा आटा लगाया मैंने इसको बेला है, और फिर इसको कांटे की मदद से इसी तरह हमें प्रिक कर देना है। एक ढक्कन की मदद से गोल गोल इस तरह पापड़ी को काट लेना है। अगर आपके पास कटर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब बनी हुई पापड़ी को हम इस तरह सेपरेट कर लेंगे और फिर चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम इस वक्त ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना पापड़ी ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, इसमें क्रिस्पीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो एक एक करके मैंने सारी पापड़ी को इसमें डाल दिया है। अब धीरे धीरे करके हमें इसे उलटते पलटते हुए चारों तरफ से फ्राई करना है। अगर धीमी धीमी आंच पर पापड़ी को सेका जाएगा तो बिल्कुल डेफिनेटली ये करारी पापड़ी बन करके तैयार होगी और काफ़ी अच्छी क्रिस्पी तैयार होगी। तो हमारा एक बैच देखिए बन करके तैयार हो गया है और पापड़ी का कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। अब दूसरा बैच भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इसको भी इसी तरह से उलटते पलटते हुए हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकना है। तो ये देखिए हमारी अच्छी सी पापड़ी बन करके तैयार हो गई है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस तरह एक प्लेट लेकर के हमें इस तरह पापड़ी को बिछा देना है। तो एक एक करके इसमें मैं पापड़ी को रख दे रही हूँ और इसके बाद इसके ऊपर और भी सारे इंग्रेडिएंट ऐड किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉयल्ड आलू के कुछ पीसेस इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद हमें इसके ऊपर चॉप की हुई प्याज को ऐड करना है। आप जो भी मन चाहे ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। और यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिया है, तो टमाटर भी मैंने रख दिया है। अब थोड़ी सी दही लेकर के सभी पापड़ियों के ऊपर अच्छी तरह से हमें डाल देना है। फिर सेंधा नमक मैंने लिया है और नमक मैंने डाल दिया है। इसके बाद ऊपर से काला नमक भी हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने काला नमक भी ऐड कर दिया है। अब चाट मसाला ले करके हमें इस तरह चुटकी से ही डालना है। अगर हम स्पून से डालेंगे तो मसाला बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो चाट मसाले से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब ये घर का भुना हुआ ज़ीरा, सौंफ और धनिया है, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी पड़ी हुई है। इससे पापड़ी का टेस्ट काफ़ी चटपटा बनेगा।
अब यहाँ पर मैंने हरी चटनी ले ली है और इसके साथ ही ये टोमेटो सॉस है, तो थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल देंगे। और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इससे भी पापड़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ में ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी प्याज ऊपर से ऐड करके हमें इस तरह कोई भी सेव या भुजिया हमें डाल देनी है। तो हमारे साइड सेव नहीं मिलता है, जो मुंबई में सेव पूरी में सेव पड़ता है, तो इसलिए मैं भुजिया का यूज़ कर रही हूँ। अब थोड़ा सा ऊपर से और दही ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ी सी इमली की चटनी इसके टेस्ट को और लुक को इन्हांस करने के लिए ऐड करना है। तो देखिए हमारी पापड़ी चाट बन करके तैयार हो गई है। तो ये चाट देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये चाट बहुत ही बेहतरीन बनती है, तो इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी पापड़ी चाट की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इसके साथ ही लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।